कप्तान नरसिंह यादव के लिए खुशखबरी है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने उनके नाम को मंजूरी दे दी है। इस बात की जानकारी भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि वर्ल्ड रेसलिंग संघ ने नरसिंह यादव के नाम को मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने पहलवान नरसिंह यादव को सोमवार को डोपिंग प्रकरण से बंद कर दिया था, लेकिन उनके रियो जाने को लेकर संशय इसलिए बरकरार था कि उन्हें यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की मंजूरी नहीं मिली थी, लेकिन अब ये बाधा भी दूर हो गई है। अब नरसिंह यादव रियो ओलंपिक जाने के लिए तैयार है, लेकिन वे अभ्यास के लिए जॉर्जिया नहीं जाएंगे, वे सीधे रियो जाएंगे। संसद परिसर की वीडियोग्राफी करने के बाद निशाने पर आए आम आदमी पार्टी के सांसद भगवान मान पर बनी समिति को 2 हफ्ते का और समय दिया गया है। इस दौरान लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने मान को संसद न आने की सलाह दी है। भगवान मान के बनाए वीडियो की जांच के लिए लोकसभा के 9 सदस्यों की जांच समिति गठित की गई थी। इसके निष्कर्ष के आधार पर मान के खिलाफ फैसला लिया जाना था, लेकिन अब इस 9 सदस्यीय पैनल को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 2 हफ्ते का और समय दिया गया है। हालांकि सुमित्रा महाजन ने ये भी कहा कि जब तक संसद किसी फैसले पर नहीं पहुंच जाती है, तब तक मान लोकसभा न आए। भगवंत मान ने संसद परिसर का एक वीडियो रिकॉर्ड किया था और इसे अपने फेसबुक पेज पर अपलोड किया था। इस वीडियो में संसद भवन की बेहद गोपनीय सुरक्षा का खुलासा किया गया है। बीजेपी नेता और नरेंद्र मोदी सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह एक बार फिर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। मंगलवार को cobrapost.com ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें गिरिराज सिंह कहते नजर आ रहे हैं कि हिंदू जैसा हिजड़ा तो कोई कौम ही नहीं है। वीडियो में गिरिराज कहते नजर आ रहे हैं, हिंदू होता तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता, पटना में एक एक ठेला मार कर मार देते। कुछ लड़के हैं जिनके पास सेंटिमेंट है, अभी कुछ लोग जीवित हैं जिनके पास सेंटिमेंट है। देश में केवल 20% लोग हैं जिनके पास सेंटिमेंट है। वो आगे कहते हैं कि अगले 20 सालों में हिंदुओं की और दुर्गति होगी। गिरिराज सिंह पहले भी धर्मांतरण, लव जिहाद, पाकिस्तानी स्कूल पर हमले, जेएनयू और बीफ के मुद्दों पर विवादित बयान दे चुके हैं। बुलंदशहर गैंग रेप को समाजवादी पार्टी के खिलाफ साजिश बताने वाले नेता आजम खान अब अपने ही बयान से पलट गए हैं। आजम ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि उनके किस बयान से पीड़ित परिवार को दुख हुआ, लेकिन वो चाहते हैं कि इस मामले में आरोपियों को इस्लामिक सजा हो। आजम ने ये भी कहा कि वे चाहते हैं कि ऐसा हादसा फिर ना हो, इसके लिए हर जरूरी इंतजाम भी किए जाएंगे। आजम ने साफ कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिस पर ऐसा रिएक्शन दिया जा रहा है। आजम ने कहा कि बुलंदशहर में जो हुआ है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन ये बात सच है कि एक ही समय में एक ही तरह के कई अपराध हो रहे हैं। आजम ने कहा कि उन्होंने राजनीतिक साजिश शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। रोहिणी कोर्ट में पुलिस और वकीलों के बीच आपस में लड़ाई हो गई। वकीलों ने पुलिस कर्मियों को दौड़ाकर पीटा है। इसके अलावा वकीलों ने इसी मामले पर हड़ताल शुरू कर दिया है। आम लोगों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। दरअसल एक वकील सुबह अपने परिवार के साथ अदालत पहुंचा था, वह लॉकअप की तरफ से प्रवेश करने लगा। इस बात का कमांडो ने ऐतराज किया और उसे धक्का दे दिया। इसके बाद वकील की कमांडो से हाथापाई हो गई। बाद में सभी वकीलों ने कमांडो को पीटा। वहीं वकील मौके पर दिख रहे पुलिस वालों से भी हाथापाई करते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि ACP के साथ भी बदसलूकी हुई है। राज्यसभा में बुधवार को यूपी की बदतर होती जा रही कानून व्यवस्था को लेकर हंगामा हुआ। कार्रवाई के दौरान उत्तर प्रदेश में हो रहे गैंगरेप का मामला भी उठा। सांसदों ने सदन में इस विषय पर चर्चा की मांग की। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी इस मांग का समर्थन किया। नकवी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। नकवी बोले कि अगर सदन चाहता है तो इस मुद्दे पर बहस हो तो हम इसके लिए तैयार है। वही BSP सुप्रीमो मायावती ने यूपी में बढ़ते क्राइम ग्राफ को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। माया ने कहा कि हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर केंद्र सरकार ने चुप्पी क्यों साधी हुई है? क्या केंद्र सरकार ने समाजवादी पार्टी के साथ साठगांठ की हुई है? गुजरात की CM आनंदीबेन पटेल का इस्तीफा बुधवार को BJP संसदीय बोर्ड की बैठक में मंजूर कर लिया गया। केंद्रीय मंत्री M वेंकैया नायडू ने इसके बारे में जानकारी दी। बैठक खत्म होने के बाद नायडू ने बताया कि आनंदीबेन जी आज राजभवन जाएंगी और अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप देंगी। BJP अध्यक्ष अमित शाह के CM बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा सवाल ही नहीं है, पार्टी चाहती है कि वे राष्ट्रीय राजनीति में नेतृत्व करें। नए CM के सवाल पर उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी और सरोज पांड्या को
पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। वे दोनों गुजरात जाएंगे और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद ही नए सीएम के नाम पर फैसला होगा। गौरतलब है कि आनंदीबेन ने अपनी उम्र का हवाला देते हुए फेसबुक पर इस्तीफे की घोषणा की थी। पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का गढ़ माने जाने वाले गुजरात में आम पार्टी अपनी पकड़ खोती जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के सर्वे में ये खुलासा हुआ है कि अगर इस वक्त गुजरात में चुनाव हुए तो पार्टी को विधानसभा की 182 में से 60 से 65 सीटों के साथ ही संतुष्ट होना पड़ेगा। आरएसएस और बीजेपी ने राज्य में दलित आंदोलन के बाद ये सर्वेक्षण करवाया। सर्वे के लिए संघ प्रचारकों ने लोगों से फीडबैक लिया। सर्वे में ये भी सामने आया है कि ऊना की घटना के बाद दलितों ने बीजेपी से दूरी बना ली है। पाटीदार आरक्षण और दलित आंदोलन की वजह से पार्टी की छवि को इतना नुकसान पहुंचा है कि 2017 के चुनावों में बीजेपी का 18 सीटों पर भारी अंतर से चुनाव हारना तय है। हालांकि आरएसएस ने ऐसे किसी भी सर्वे की बात से इनकार किया है और कहा है कि बीजेपी खुद ऐसे सर्वे करवा सकती है। राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को 1998 में जोधपुर में चिंकारा के शिकार संबंधी दो मामलों में बरी करने के फैसले को प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। राजस्थान के संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री राजेंद्र राठौर ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार सलमान खान के मामले में गुण अवगुण पर अवलोकन कर रही है। सरकार ने न्यायालय के फैसले को चुनौती देने का मन बना लिया है। गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट से 25 जुलाई को दिए गए फैसले में भवाद और मथानिया में चिंकारा के शिकार संबंधी दो मामलों में सजा के खिलाफ सलमान की याचिका को स्वीकार कर उन्हें दोनों मामलों में बरी कर दिया था। कोंकण में भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ के चलते रायगढ़ जिले में मुंबई गोवा हाईवे पर एक पुल टूट गया। इस हादसे में कुछ गाड़ियां बहने की वजह से 22 लोगों के बह जाने का अंदेशा है। पुल टूटने के बाद एनडीआरएफ राहत और बचाव के काम में जुटा है। एनडीआरएफ की प्राथमिकता फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने की है। आपको बता दें कि ये पुल ब्रिटिश काल में बना था। दरअसल इस जगह पर आसपास दो पुल है। जो पुल टूटा है उसका इस्तेमाल गोवा से मुंबई के ट्रैफिक के लिए किया जाता है। दूसरे पुल का इस्तेमाल मुंबई से गोवा जाने के लिए होता है। हादसे के बारे में सीएम देवेंद्र फडणवीस को जानकारी दे दी गई थी, जिसके बाद से ही सीएम पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। हाईवे पर पुल बहने के बाद एनडीआरएफ राहत और बचाव के काम में जुटा है।